दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर 12,000 वर्कर्स एक साथ काम करते थे और जिनमें से कई वर्कर्स ने बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त अपनी जान गंवा दिए। बुर्ज खलीफा पर 24,000 ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका वजन 35 A380 जेट्स के बराबर है, तो उसे किस तरह से फिट किया गया होगा। और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 100 किलोमीटर दूर से भी इसकी चोटी को देखा जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी बुर्ज खलीफा की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन अभी आप और भी चौंक जाएंगे जब आप जानेंगे कि आखिर बुर्ज खलीफा को इंजीनियर्स ने बनाया कैसे, कैसे इस मोटे 350 टन पाइप को ऊपर तक पहुंचाया गया, कैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर के 100 डिग्री के टेम्परेचर को कम किया गया, और तो और कैसे इस रेतीले जमीन पर इतनी ऊंची इमारत को खड़ा किया गया। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़कर निकलने वाली इस इमारत पर $1.5 बिलियन का खर्चा आया था, यानी कि करीब 11,000 करोड़ रुपए। और इस इमारत को बनाने की जिम्मेदारी साउथ कोरिया के सैमसंग CNT कॉरपोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी थी। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का ही समय दिया गया था, और इतने कम समय में डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का काम मुमकिन नहीं था, और इसलिए बिल्डिंग को बिना प्रॉपर डिजाइन के ही शुरू कर दिया गया। और जैसे जैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती गई, वैसे वैसे इसका डिजाइन भी साथ साथ तैयार होता चला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा का डिजाइन अमेरिका के स्किडमोर, ओविंग्स और मेरिल नामक कंपनी ने बनाया था, और इसी कंपनी के आर्किटेक्ट एड्रिन स्मिथ को बुर्ज खलीफा के डिजाइन बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो कि बुर्ज खलीफा को दुबई की रेत में खड़ा करना बहुत मुश्किल था, और इसीलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले 192 मोटे स्टील के पाइप्स को जमीन में धसाया गया, और फिर जाकर बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। और शायद आपको ना पता हो कि पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं स्टील पाइप्स पर टिका हुआ है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि जब कंक्रीट को नीचे से बनाकर ऊपर भेजते थे, तब सीमेंट ऊपर जाते जाते ही सूख कर जम जाता था, और इसीलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा में मोटे मोटे पाइप्स इंस्टॉल कर दिए। इन पाइप्स का काम सीमेंट को ऊपर तक पहुंचाना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगने वाले सीमेंट का वजन अगर आप देखें तो वो करीब 1,00,000 हाथियों के वजन जितना था। और भारी सीमेंट ऊपर पहुंचाने के लिए उन्होंने दुनिया भर के 3 सबसे पावरफुल पंप्स इंस्टॉल करवाए, और इन मशीनों की कीमत भी करोड़ों में थी। इसके अलावा, जब बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तब बारी आया उस पर ग्लास पैनल्स लगाने की, और बुर्ज खलीफा पर 24,000 ग्लास पैनल्स लगाने थे। जब ये ग्लास पैनल्स लगाए गए, तब बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री के करीब पहुंच गया, जहां पर कोई भी इंसान 10 सेकंड से ऊपर नहीं खड़ा रह सकता था, और इसको ठंडा करने के लिए 10 गुना ज्यादा बिजली की खपत आती। इसीलिए इस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने कहा कि उनके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है, और उन्होंने इसके लिए एक खास तरह का ग्लास पैनल बनाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता था। परंतु ये ग्लासेस काफी महंगे थे, और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स को खरीदने में 3 अरब और 60 करोड़ की रकम खर्च होनी थी, जो कि काफी महंगा काम था। और इसीलिए एक पूरी की पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स बनाए गए, जो कि सिर्फ 4 महीनों में ही सारी की सारी ग्लास पैनल्स बनकर तैयार हो गई, और फिर जाकर इन्हें बुर्ज खलीफा में फिट किए गए। अब सारी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर जो ऊपर स्टील पाइप को लगाया गया है, उसे इतने ऊपर कैसे रखा गया? वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो पाइप नीचे से देखने पर छोटा और पतला लगता है, लेकिन असल में उसकी लंबाई 136 मीटर है और वो 350 टन वजनी है। दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो इतनी भारी पाइप को बादलों से भी ऊपर जाकर बुर्ज खलीफा के शिखर पर रख सके, और इसलिए इंजीनियर्स ने तरकीब लगाकर इस पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर ले जाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर असेंबल कर दिया। अब पूरा बुर्ज खलीफा कम्प्लीट हो गया था, लेकिन सालों की कंस्ट्रक्शन की वजह से वो पूरा धूल और मिट्टी से भरा पड़ा था, और अभी सबसे बड़ा काम था इसको बाहर से पॉलिश करना। इंजीनियर्स को इसका कोई भी सलूशन नहीं समझ आया, और फाइनली उन्होंने वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के टोटल 24,000 विंडो पैनल्स को साफ करवाया गया, जो कि काफी जोखिम भरा काम था, और इसमें कई वर्कर्स की तो जान भी चली गई। और दरअसल ये विंडो क्लीनिंग का काम अभी तक वर्कर्स की मदद से ही किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। क्या आपका भी बुर्ज खलीफा में जाने का सपना है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।